तो PUBG एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वालों से मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें अपने जिंदगी में सुख चाहिए और फ्री फायर वालों की 2 करोड़ की औकात के बारे में जानना है तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और फ्री फायर वालों से बस यही कहना चाहूंगा, अगर तुम अपने 2 करोड़ के औकात के बारे में जानना चाहते हो तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वापस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लॉर्ड ऑफ द लस्टन गेम के बारे में जिस गेम्स का प्लेयर का औकात तो 2 करोड़ का भी नहीं है पर वो अपने आप को 30 मार का समझते हैं। तो आज हम इन बहन के लॉर्डों को उनका असली औकात दिखाएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बिना किसी बकचोदी के तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गेम के कार्टून ग्राफिक्स के बारे में। फ्री फायर के ग्राफिक्स के बारे में जितना तारीफ करूं उतना कम है बहनचोद। झूठ बोल रहा है बहनचोद, इससे अच्छा ग्राफिक्स वाला गेम तो एक 6 साल का बच्चा बना लेगा। मतलब बहनचोद, इस गेम के डेवलपर्स ने कौन से सस्ते नशे करके ये गेम बनाया था? जब भी कभी इस गेम के ग्राफिक्स देखता हूँ ना, बस बहनचोद एक ही चीज याद आता है, ये तो टट्टी है। इससे अच्छा ग्राफिक्स तो जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग वगैरह वगैरह, उन गेम के ग्राफिक्स इस लॉर्ड ऑफ द लस्टन गेम से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। जितने भी 13+ लोग इस गेम को खेलते हैं, अरे बैठो शर्म करो, ये गेम है ही छोटे छोटे बच्चों के लिए, यकीन नहीं आ रहा। ये देखो लिखा ही है ये गेम 12+ के लिए, अरे कुछ तो शर्म करो यार, इतने बड़े बड़े होकर भी बच्चों के गेम खेलते हो। अब तुम मेरे से पूछोगे अगर फ्री फायर छोड़ दे तो कौन सा गेम खेले? अरे लूडो खेल लो, कैरम खेल लो, कैंडी क्रश खेल लो, पर ये गेम मत खेलना बहन चोद, ये गेम मत खेलो। आज तक जिसने इस गेम को अपने फोन पे डाउनलोड नहीं किया है, शाबाश ब्रो, तुमने अपने जिंदगी में सबसे पुण्य का काम किया है। और रही बात मेरी, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप एक बार किया था पर आज से 3 साल पहले। जब मैं छोटा था तब मुझे बस गेम खेलना था, तब मुझे ग्राफिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तब मेरे पास फोन भी एकदम टट्टी वाला था, मैं और करता भी क्या। पर उसके बाद से लेकर आज तक मैंने फ्री फायर नाम का गेम आज तक मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं किया। पर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मत करना फ्री फायर इंस्टॉल, या फिर अगर तुमने किया है जल्दी से अनइंस्टॉल करो, जल्दी करो। तो अब बात करते हैं फ्री फायर के कैरेक्टर्स के बारे में। बहनचोद, हमारे अर्थ में इंसान के कैरेक्टर से ज्यादा तो इस लॉर्ड ऑफ द लस्टन गेम्स में ज्यादा कैरेक्टर्स है। तो चलिए सारे कैरेक्टर्स के नाम पढ़ते हैं। A124, एडम, आलोक, एल्वारो, एंड्रू, एंथोनियो, कैरोलिन, ईवी, फोर्ड, हायाटो, जोसफ, जोटा, कैपेला, कैली, क्ला, लौड़ा। व्हाट, देखा आ गए ना लाइन पे, नाम देख रहे हो, लौड़ा। मैक्सिम, मिगल, मिशा, मोको, निकिता, नोटोरा, ओलिविया, पाल्मोमा, राफेल, शामी, स्टेफी, उल्फ रे, वो कॉन्ग। बहनचोद, ये गेम है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? और ये कैसा नाम है, A124, ईवी, फोर्ड, लौड़ा? इसका मतलब है कि फ्री फायर वालों को भी पता है उनका गेम कितना चूतिया है और वो लोगों को कितने बड़े चूतिया बनाते हैं। और फ्री फायर वाले सुनो, अभी तो ये पक्का साबित हो गया ना, ये गेम लॉर्ड ऑफ द लस्टन है और ये गेम बड़े लोगों के लिए नहीं छोटे छोटे बच्चे के लिए है, क्योंकि बड़ों के गेम में इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं होते। एक गेम में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैरेक्टर्स होना चाहिए, तब वो होता है बड़ों का गेम। और ये कैसे कैरेक्टर्स है बहनचोद, बंदर का कैरेक्टर, बिल्ली का कैरेक्टर, लोहड़े का कैरेक्टर, चींटी का कैरेक्टर। और फ्री फायर वालों, अपने कैरेक्टर्स के दम पे ना ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि कैरेक्टर ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, टट्टी गेम टट्टी ही रहेगा और लौड़ा कैरेक्टर लौड़ा ही रहेगा। औकात से ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारे ऐसे लॉर्ड ऑफ द लस्टन कैरेक्टर से हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं इस गेम के प्लेयर्स के बारे में। इस गेम के प्लेयर्स का औकात तो 2 करोड़ का भी नहीं, पर ये लोग अपने आप को प्रोवेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड समझते हैं। फ्री फायर के जो प्रो बंदे होते थे ना, उनसे ज्यादा प्रो तो हमारे पबजी के बॉट होते थे। बहनचोद, अगर नूबेस्ट प्लेयर इन्हें गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो पक्का बहनचोद फ्री फायर वालों को ये ट्रॉफी मिलता। अबे मतलब इतना नूब कोई कैसे हो सकता है? पबजी के जो नूबेस्ट प्लेयर होते हैं ना, वो भी फ्री फायर में जाके प्रोएस्ट प्लेयर बन जाते हैं। मतलब अभी और प्रूफ चाहिए ये गेम नूबड़ों के लिए है कि नहीं? तो ये देखो गूगल पर, ये देखो फ्री फायर वालों, इसीलिए बोलते बेंचो तुम लोगों की कोई औकात ही नहीं है, गूगल वाले भी तुम लोगों को कोई इज्जत ही नहीं देते। अभी भी टाइम है, छोड़ दो ये गेम, या फिर अगर तुम डाउनलोड करने का सोच रहे हो तो मत करो, बिल्कुल भी मत करना, वरना पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। और ये गेम नूबेस्ट होगा भी कैसे नहीं, इसमें तो 50-60 प्लेयर्स 10-11 साल के बच्चे ही है,
और ये गेम खेलने वाले सभी प्लेयर्स बोलते हैं कि पबजी गेम बेकार था। बेंचो सुनो, 1 रुपए का चॉकलेट तो हर कोई खरीद सकता है, पर 10 रुपए का चॉकलेट खरीदने के लिए औकात चाहिए। तुम सारे फ्री फायर वाले बोलते हो कि पबजी गेम बेकार था, कभी खेला है पबजी? और खेलोगे भी कैसे, 1GB रैम में थोड़ी ना चलता है पबजी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, फ्री फायर प्लेयर्स में से 70-70% प्लेयर्स के पास तो 1GB रैम का फोन है, इसीलिए ये बहनचोद इतने जलते हैं, क्योंकि पबजी तो इनके फोन में चलेगा नहीं। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गेम को लेकर लड़ना बंद करो, जिसको जो गेम पसंद आता है वही खेलो, गेम को लेकर लड़ना बंद करो, और अगर तुम लोगों को लड़ने का इतना शौक ही है तो जाओ जाके बॉर्डर में चाइना के साथ लड़ो। तो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी वाले सारे लोग तो ये वीडियो को लाइक करेंगे, पता ही है मेरे को। और फ्री फायर वालों, अगर तुम्हें करना है लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं आया तो मत करो, एंड सब्सक्राइब तो सभी लोग कर देना का इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी रोस्टिंग के वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।